Realme C61 एक बजट ओरिएंटेड फोन है एंड रिसेंट लॉन्च हुआ फ्लिपकार्ट पे। तो अगर अभी तक आपने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू नहीं देखा तो हम प्रोडक्ट अनबॉक्स करेंगे, साथ साथ आपको रिव्यू देंगे भाई क्या आपको मिलता है यहाँ पे एंड क्या ये एक बजट में आपको फोन लेना चाहिए अंडर 10,000 या अंडर 8,000 रुपीज वर्थ होगा या नहीं होगा। स्टार्टिंग विद अनबॉक्सिंग, सो इज रियलमी C61 यहाँ पे आता है आर्मर सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ एंड पीछे कुछ की फीचर हाईलाइटेड यहाँ पे मिल जाते हैं। पेपर वर्क, एक ट्रांसपेरेंट केस एंड सिम इजेक्टर टूल, देन आपका फोन टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड एक अडेप्टर। तो लिटरली यार अनबॉक्सिंग में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज मिल जाते हैं यहाँ पे, टेम्पर्ड अप्लाई है, आपको केस मिल जाएगा, एक चार्जर मिल जाता है, बट जो डिसअपॉइंट है वो है चार्जर ही इसका, क्योंकि 5000 एमएच बैटरी तो दे दी फोन में बट चार्जर की अगर बात करते हैं तो वो आपको जस्ट 10 वोल्ट का मिलता है। अब फॉर द फोन बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे आपको जो टफ बैक मिलती है आर्मर सेल प्रोटेक्शन में बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ रियलमी एंड पीछे वाला जो टेक्सचर वो टोटली अलग देखने मिलता है, कैमरा कटआउट का सेक्शन अलग मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप के साथ आपको यहाँ पे एक फ्लैश मिल जाएगा, राइट साइड काफी बीजी आपको वॉल्यूम रोकर्स के साथ एक पावर ऑन एंड ऑफ बटन एंड उसी पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। बॉटम पे आप चेक करेंगे तो 3.5 mm जैक है, माइक्रोफोन है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है एंड आपको सिंगल फायर स्पीकर मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको सिम मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको डुअल सिम के साथ एसडी कार्ड स्लॉट मिलता है एंड 2 TB तक एसडी कार्ड आप यूज कर सकते हैं। ऊपर बिल्कुल एम्प्टी है एंड फोन बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है, ये हैंडी फोन बिल्कुल भी नहीं, काफी बड़ा फोन है, बल्कि था थोड़ा सा दिखता है बट स्लिम है डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा एंड जो फोन का ओवरऑल डिजाइन है ये स्क्वेयरी इन्होंने रखा है जो आप देख सकते हैं एंड दो अलग अलग कलर आते हैं जो भी आपका फेवरेट कलर आप चूज कर सकते हैं। बिल्ड के बाद आते हैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे, 6.74 इंचेस का डिस्प्ले है एंड यहाँ पे आपको 90% स्क्रीन टू बॉडी रेजोल्यूशन मिल जाता है, मतलब जो बेजल्स हैं वो काफी मिनिमल है एंड एक चीज मेरे को रियलमी की पसंद नहीं आती भाई, ये वॉटर ड्रॉप डिजाइन देते हैं, पंच होल डिस्प्ले देते हैं तो और बेटर होता और अच्छा फीडबैक आता। क्लेम करें 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का यहाँ पे सैम्पलिंग रेट है। 560 मैक्स ब्राइटनेस आपको मिलती है, वो आउटडोर में मिलेगी बट इनसाइड समवेयर अराउंड 480 मैक्स ब्राइटनेस यहाँ पे रहने वाली है। ये एक HD प्लस LCD पैनल है जिसका ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है स्क्रीन टच रिस्पॉन्स मेरे को कुल मिला के ठीक लगा, बाकी जिस टाइप का टेम्पर्ड यूज करेंगे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, गोरिल्ला ग्लास वगैरह आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता जो नॉर्मली इस बजट पे नहीं मिलेगा, बट कुछ चीजें रियलमी यहाँ पे फोन की बॉडी के साथ आपको बोल रहा है जो वो देगा बट वो आपको टेस्ट नहीं करनी है। सेफ्टी प्रोटेक्शन है, इम्पैक्ट अब्जॉर्प्शन है एंड आर्मर सेल है, मतलब कुछ चीजें हैं जो अगर आपका फोन गिर जाता है भाई मिस्टेक तो वो बचा सकता है उसको। नाउ डिस्प्ले के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 90 हर्ट्ज जिन्होंने बोला है वो ऑटो पे काम करता है, आप 90 हर्ट्ज को नॉर्मली यूज नहीं कर सकती, आप उसको 60 हर्ट्ज पे मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको 90 हर्ट्ज रखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नहीं, अगर वीडियोस देख रहे हैं तो उसके कलर आप इनहेंस कर सकते हैं बाय गोइंग टू द सेटिंग, तो ऑप्शन मिल जाता है जो कलर्स निकल के आते हैं ओवरऑल ठीक है, जो मैक्स कैपेसिटी पे या वीडियो आपको दिखा सकता है वो है 1080p, उससे ज्यादा कैपेसिटी पे आप वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। जो कलर है, जो चीजें हैं वो डिस्प्ले के हिसाब से थोड़ा सा डल देखने का मिलता है, बट अगर आप वीडियो इनहेंसर यूज करते हैं तो उसमें कलर्स वगैरह थोड़ा पॉप निकल के आते हैं जो मैं यूज कर रहा था एंड अच्छा रिस्पॉन्स मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे रियलमी IP54 की रेटिंग देता है जो कि आई विल से इट्स ओके, बिकॉज कुछ ना से कुछ होना बेटर है, थोड़ा बहुत स्प्लैश वगैरह ये झेल सकता है बट पानी में टेस्ट मत करना। यूनिसोक का T612 चिपसेट यहाँ पे मिलता है विद ऑक्टा कोर 1.8 हर्ट्ज पे ये जो प्रोसेसर है वो रन कर रहा है एंड माली G57 का GPU यहाँ पे मिल जाता है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है N22 में समवेयर 2.5 लाख के अराउंड इसका जो स्कोर था वो आया एंड Geekbench में 432 के अराउंड यहाँ पे सिंगल चिप सिंगल कोर ने स्कोर किया एंड मल्टी कोर में 1400 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आया जो कि आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाता है एग्जैक्ट नंबर क्या था राइट। तो अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, ये डे टू डे परफॉर्मेंस में काफी बढ़िया रहेगा, आपको लैग इतना फील नहीं होगा, जो UI है, जो चीजें हैं, रैम मैनेजमेंट, ऐप ओपनिंग वहां पे काफी कम टाइम ये लेता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर, जिसका मेरे को थोड़ा सा बेटर एंड ऑप्टिमाइज प्रोसेसर लगा कम्पेयर टू रियलमी के नार्जो N63 से, वहां पे चार्जर पे फोकस किया गया था बट यहाँ पे परफॉर्मेंस पे एंड फोन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस मेरे को दिख रहा है। तो इस बजट में जो गेम खेले जा सकते हैं लाइक सबवे सर्फर या फिर टेम्पल रन वो मैंने यहाँ पे ट्राई आउट करके देखा एंड सबवे सर्फर में कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी लैग वगैरह नहीं था, बट यार जब मैंने BGMI ट्राई आउट किया तो हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप वगैरह वगैरह थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी जो कि एक्सेप्टेबल है भाई, बजट कम है, कम प्राइस में आपको चीजें चाहिए तो सब कुछ बेटर नहीं मिल सकता। तो जो प्रोसेसर है वो डे टू डे लाइफ की चीजें व्हाट्सएप, वीचैट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह
आप आराम से यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। एंड जो ये वाला वेरिएंट है ये मेरे पास 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ आता है, एंड रैम को आप बूस्ट कर सकते हैं, 6GB का वर्चुअल रैम भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूँ, बट उतना वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड जो 128GB था यहाँ पे समवेयर 24GB ऑलरेडी यूटिलाइज था, तो 100GB के अराउंड मेरे को यहाँ पे जो था स्पेस मिला था। एंड आई थिंक जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू अदर फोन्स, बट चलेगा, चलता है कुछ चीजें इस बजट पे। नाउ यूजर इंटरफेस की मैं बात करूं, यार रियलमी का UI मेरे को उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज वो ऑलरेडी काफी सारे ब्लोटवेयर के साथ आता है, काफी सारे आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं, होट ऐप मिलते हैं बेसिकली, जो कि ढेरों सारे एडवर्टाइजमेंट कंटेन करते हैं, अदर अदर चीजें जो होती है ना वो एक्सपीरियंस को थोड़ा खराब कर देते हैं। इवन दो जब मैं फोन को सेट कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था भाई जो चीजें हैं होट ऐप वगैरह वो मैं करूं कम इंस्टॉल करने की, बट इवन दो मैंने सब अनसेलेक्ट कर दिया तो भी कुछ प्री इंस्टॉल ऐप थी एंड वो अनइंस्टॉल नहीं कर पाए। मे भी आप डिसेबल उनको कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते अनवांटेड ऐप आप डिसेबल कर पाएंगे उसको। वैसे एंड्रॉइड 14 पे रन है, रियलमी UI आपको मिल जाता है एंड सिक्योरिटी पैच अपडेट जो उनका आपको मिलता है, एंड अगर आप रियलमी UI के फैन है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मिनी कैप्सूल करके एक थिंग मिलती है, जो कि एंड्रॉइड का डायनेमिक आइलैंड मैं बोल सकता हूँ या फिर रियलमी का डायनेमिक आइलैंड मिलता है वो, तो आप जब फोन को चार्ज करेंगे वेदर के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे आईफोन में करता ना वो डायनेमिक आइलैंड दिखेगा, बट वो उतना ऑप्टिमाइज नहीं है, बट या शो ऑफ के लिए काफी है। अलग अलग जेस्चर्स हमें मिलते हैं, एयर जेस्चर आप यूज कर सकते हैं एंड वो आपको अलग से स्पेशल फीचर्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, कपल ऑफ फीचर्स जो है स्मार्टफोन में अवेलेबल है। नाउ जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है फोन का कैमरा, तो यहाँ पे मेरे को दो कैमरा दिख रहे हैं, बट रियलमी ने सिंगल कैमरा स्पेसिफिकेशन दिए, 32MP का मेन कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है, आई थिंक 2MP का दूसरा कैमरा है, एंड फ्रंट में आपको 5MP का मेन कैमरा मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल इमेजेस की, तो इमेज जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे काफी अच्छी है, नो डाउट बजट के अकॉर्डिंग अच्छा कैमरा है, अगर आप 32 मेगापिक्सल पे उसको यूज करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको जाके सेट करना पड़ता है, तो जो क्लैरिटी है वो बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाती है, साथ साथ इमेज का साइज भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, बट यार डेफिनेटली क्लैरिटी इंप्रूव होती है, आप 3x जूम कर सकते हैं फोटो लेते टाइम वीडियो लेते टाइम, वो आपके पास ऑप्शन मिलता है, एंड वीडियो में 1080p आप मैक्स जो है कैपेसिटी पे शूट कर सकते हैं, जो फोटो वीडियोस ली थी मैंने वो आपको डिस्प्ले पे देखने मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग द बजट यहाँ पे क्लैरिटी है, बट अगर आप फ्रंट कैमरा यूज करते हैं पोर्ट्रेट यूज करते हैं तो वो उतना बुके इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, उतना एज डिटेक्शन नहीं दे पाता, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, आप बजट ओरिएंटेड फोन से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट यहाँ कैमरा डिसेंट है। बैटरी परफॉर्मेंस वाइज 5000mAh की बैटरी है, जो कि काफी बड़ी है साइज में, एंड जो आपको एज पर रियलमी 1.8 days ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप ये दे सकता है। जो फोन में जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा बैटरी के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड है, जी हाँ, जिससे बैटरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज होती है, जो आप देख भी सकते हैं, मैं इसको करीबन 5-6 घंटे से यूज कर रहा हूँ एंड बैटरी उतना ड्रेन नहीं हुई है, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बैटरी आपकी ड्रेन हो सकती है, अगर आप ज्यादा गेम खेलते हैं या फिर मैक्स ब्राइटनेस पे इसको रखते हैं तो वो चीजें डेफिनेटली बैटरी को इम्पैक्ट करेंगे, बट जो सबसे इम्पैक्ट करता है बैटरी को वो है चार्जिंग टाइम। भाई मैंने मोटोरोला का रिसेंट फोन जो है अनबॉक्स किया था, 10 वोल्ट के चार्जर के साथ वो भी आता था एंड 5000mAh की बैटरी थी, तो 4 घंटे 20 मिनट उसने लिए फुल चार्ज होने में, तो भाई मैं वो सोच के यहाँ पे थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, 4 घंटे कैसे स्पेंड करेगा कोई बंदा इस फोन को लेने के बाद, बट या आप ट्राई कर सकते हैं 20 वोल्ट के चार्जर के साथ अगर आपके पास अवेलेबल है, मे भी आपको थोड़ा सा फास्ट एंड इम्प्रूव चार्जिंग वहां पे मिल जाए। सो अगर हम बात करें फोन की बजट के अकॉर्डिंग, ये अगर आप 464 वाला वेरिएंट लेते हैं आपको 8000 में मिलेगा, एंड वही 6GB वाला वेरिएंट आपको 9000 रुपए में मिल जाएगा, जो कि एक बेटर डील है, एंड आई विल से बैटरी एंड चार्जर के अलावा मेरे को यहाँ पे कोई भी ऐसा मेजर ड्रॉबैक नहीं मिला जो कि आप इस फोन को स्किप कर सकते हैं, लाइक गुड लुकिंग फोन है, बट आप अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सब पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल है, स्पीकर की लाउडनेस ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी कलर्स वगैरह सब कुछ आपको ठीक मिलते हैं, एंड मिनी कैप्सूल मिल जाता है जो कि काफी सारे यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा, भाई देखेंगे भाई मिनी कैप्सूल क्या है कुछ नया है वगैरह वगैरह आपको देखने मिलता है, प्रोसेसर ठीक है, एंड बजट के अकॉर्डिंग जो चीजें लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर जो सेंसर वगैरह मैंने अभी तक नहीं बताए, फेस अनलॉक यहाँ पे मिलता है, फिंगरप्रिंट आप यूज कर सकते हैं, एंड जो एक्यूरेसी है उसकी वो काफी अच्छी है, आप चेकआउट कर सकते हैं, अनलॉकिंग स्पीड मेरे को डिसेंट लगी, एंड इवन दो आप फेस अनलॉक यहाँ पे यूज करते हैं तो वो भी कुल मिला के ठीक ठाक काम कर लेता है, तो आप इसको ले सकते हैं अगर आपको पसंद आया फोन तो,
जाके ट्राई आउट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।